अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है मेथू वड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाव तेल ले लिया है और एक छोटा चम्मच भर हींग, और इसी के साथ एक बड़ा चम्मच जीरा ऐड कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर 4 से 5 लहसुन चॉप किए हो वो भी ऐड कर रही हूँ। एक गाजर चॉप किया हो वो भी ऐड कर रही हूँ। अभी हम इसे 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च चॉप किया वो भी ऐड कर रही हूँ। चॉप किया हुआ करियापा, चॉप किया हुआ हरा धनिया भी ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। देखिए 2 मिनट फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 2 गिलास पानी, और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच भर नमक ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 1 बड़ा साइज का कच्चा आलू चॉप कर कर रख लिया है कद्दूकस कर कर। अभी हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हमें सिर्फ 80% तक ही पकाना है हमें। तो देखिए यहाँ पर आलू 80% तक पक चुका है, अच्छी तरीके से उबाल भी आ चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप उपमा रवा ऐड करेंगे। उपमा रवे को हम लगातार मिलाते रहना चाहिए हमें। देखिए यहाँ पर हमारा उपमा रवा और आलू भी अच्छी तरीके से पक चुका है। अभी हम इसे ठंडा होने के लिए एक बर्तन में निकाल लेंगे हम। अभी हम एक कटोरी की मदद से हम इसको, ये बैटर बिल्कुल नरम और सॉफ्ट होना चाहिए। ये रवा जो है ना, उपमा रवा अभी गर्म है, तो मैं एक कटोरी की मदद से बैटर को नरम कर रही हूँ। देखिए अभी मैंने थोड़ा ऑयल हथेली में लगा लिया है। इसके अब हम छोटे छोटे लोई तोड़कर हम वड़ों का शेप देंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अभी एक फिंगर ऑयल में डिप कर कर मैंने यहाँ पर वड़ों का शेप दे रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी देख सकते हैं बिल्कुल कितने तरीके से वड़ों का शेप बनकर रेडी है। देखिए माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट वड़ों का शेप है ये। अभी मैंने यहाँ पर तेल भी रख दिया है गरम होने के लिए। देखिए यहाँ पर हमारा तेल अच्छी तरीके से गरम हो चुका है। अभी हम वड़ों को डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा दिखा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह आप लोग भी एक बार ज़रूर मेथू वड़ा ट्राई कीजिए। ये उम्मीद करती हूँ बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी।
इंशाल्लाह इसीलिए आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए, अपने बच्चों को दीजिए। देखिए यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं, अभी हम इसे सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह पड़ों का कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आया है। मैंने यहाँ पर मेथी वड़ों के साथ टमाटर की चटनी बनाई हुई थी। आप लोग ये सुबह मॉर्निंग नाश्ते में भी खा सकते हैं या इवनिंग स्नैक्स में भी आप लोग खा सकते हैं। ये इंशाल्लाह आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी आप लोगों को हमारे बेटे सोहेल खाकर बताएंगे कि आज के मेथू वड़े कैसे बने। देखिए माशाल्लाह सोहेल को तो ये मेथी वड़े बहुत पसंद आए, इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई कीजिए। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।